अभिषेक झा, एक चीज बताइए, अब चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया, आपके नेता ने तो इंडिया का साथ इसलिए छोड़ा कि जी सीटों का बंटवारा ही नहीं करने का नाम ले रहे, आपका कहां है सीटों का बंटवारा? एक होता है संदीप जी कि इंटरनली हमने बातचीत नहीं की है, बंटवारा नहीं किया है, मुद्दे तय नहीं किए, और एक होता है कि हम मीडिया में इस बात को नहीं रख पाए। देखिए हमारी जो इंटरनल बातचीत है वो हो चुकी और अच्छा सही समय पर अच्छा साहब, सीटों का जो पंडित जी बंटवारा है मुहूर्त वो निकालेंगे तब घोषणा मुहूर्त होगा। की बात नहीं है, हम तो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही पूजा है और कर्म करने में विश्वास रखते हैं और हमारे लिए हर मुहूर्त शुभ होता है। और अब देखिएगा कि एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे समन्वय के साथ सीटों का जो बंटवारा है वो अनाउंस हो गया। रहा सवाल चुनावों की तैयारी का, तो हमेशा मानते हैं संदीप जी कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम लोग तो हमेशा जनता के बीच रहने वाले, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं। कोई हवा हवाई नेता नहीं है जो सिर्फ वादे कर दे गठबंधन में कोई और तनाव तो नहीं है? वादों को भूल दे। तनाव क्यों रहेगा? आपका इशारा जिस ओर है जिस इशारा ओर क्या, भी मैं सीधा चीजें बोल देता हूं बनता है। ना, इशारों में क्यों बात करूं? इशारों में तो राजनीतिक दल बात करते हैं। चिराग पासवान वो तो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सीधे कुठाराघात करते हैं, प्रहार करते हैं, सीधा हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं। अब उनको 5 सीटें दी जा रही हैं, अब वो आपके साथ गठबंधन में होंगे तो हम साथ साथ हैं, आराम से गाना गा पाएंगे। देखिए हमारे गठबंधन की यह खूबसूरती है कि हर किसी को अपनी बात को कहने की आजादी है, तो दबाव की राजनीति यहाँ नहीं होती है। और रहा सवाल कि चिराग पासवान जी ने क्या कहा नहीं कहा, गठबंधन में शामिल होते वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की और यह भी आपने सुनी। और अगर मुख्यमंत्री जी या हम लोग इस बात की चिंता करने लगे कि कौन व्यक्ति हमारे विषय में क्या बोलते हैं, कौन पार्टियां हमारे विषय में क्या बोलती हैं, तब तो हो गए। हमारा ध्यान काम पर हो, हमारा नहीं ध्यान उस काम कमिटमेंट पर नहीं, है जनता हनुमान के की साथ में। भूमिका में 2020 के चुनाव में आपकी क्या गत की थी, 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, वो चिराग पासवान ही थे ना, वो 30 मिट गई, जख्म भर गए। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है, अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो उनका हश्र क्या हुआ? एक उम्मीदवार जीतते हैं वो भी आपने हमारी पार्टी पार्टी तोड़ में दी, शामिल हो पर जाते हैं। जो वो पार्टी तोड़ी, वो जो 5 सांसद थे उनको पैदल कर दिया बीजेपी ने, और जिनको पैदल आप करना चाह रहे थे उनके लिए लाल कालीन बिछा दिया। ऐसा नहीं होता है संदीप ऐसा जी कि तो हम हुआ किसी को है, पैदल करना होता चाहते नहीं हैं, है क्या? हुआ नहीं हम है नहीं चाहते थे, बाकायदा। हमने क्या कहा आपसे? आप एक बात को समझिए, अलग अलग कालखंडों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी को राजनीति में नुकसान पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र, अनेक लोग उसमें शामिल हुए। नीतीश कुमार जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमारी पार्टी पीछे मुड़कर नहीं देखती, किसने हमको नुकसान पहुंचाया उनका हश्र खुद बुरा हो जाता। हम कोई षड्यंत्र नहीं रचते, हम ऐसी कामना नहीं करते हैं कि उनका बुरा हो राजनीतिक रूप से या निजी नहीं, रूप से, षड्यंत्र हम कहां तो रचते हैं, पार्टी की पार्टी तरफ तोड़वा देखते। देते हैं। हमारा इसमें क्या दोष है कि ये सब भ्रामक बातें हैं संदीप जी, ये बाप रे भ्रामक इतना बातें तेज हैं, दाम एक इतना बात एकदम भाई, ये तो आप तो भ्रामक सीधा बातें कहते थे हैं। नीतीश कुमार ने तोड़वा दी हमारी नहीं, पार्टी। मैं इसलिए हंस रहा हूं, वो लगाओ ना आप भी वर्सेस नहीं, वो काम हम नहीं करते, लगाओ। वो आग लगाना वर्सेस करना, हम तीखा सवाल पूछेंगे, कुछ नहीं, सहज अंदाज में देखिए पूछते हम हैं। समझते हैं गठबंधन धर्म को निभाना पड़ता है। कल तक हम क्या कह रहे थे, आज क्या कहेंगे, आज की स्थिति में चलेंगे हम? गठबंधन धर्म की सीमाओं में रहना दोनों पार्टियों का फर्ज होता इसको है। थाली का बैंगन होना भी नहीं कहते वो हैं। नहीं कह सकते, हाँ, नहीं वो कैसे कहो, वो नहीं जहां नहीं जहां नहीं अच्छा नहीं लगा गठबंधन वहां धर्म, रुड़क लिए। ना ना ना, इसको सही ये पहचान, धर्म शब्द, ये सही धर्म है या राजनीतिक अधर्म हो रहा है? धर्म है कि जनता की सेवा करना, अच्छा, उसमें सेवा। कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब उसमें आज भी नीतीश कुमार तो सेवा नहीं कर रहे, हमने आज आपके भी हिसाब से 7 सवाल देखिए, उठाते थे बिल्कुल आप। बहुत अच्छी बात है, हम हाँ आज भी नीतीश कुमार के न कल खिलाफ थे ना आज खिलाफ है, लेकिन हाँ लेकिन हम आज भी चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से बिहार में काम करे और बिहार को और आगे ले जाए। इसीलिए हम लोगों ने बनाया अपना डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारी आज भी इंसिस्टेंस है कि आप कृपया करके जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने तो उसको उसमें ऐड करें। सवाल उस बात का है, सवाल ये नहीं कि उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, और जहां तक बीजेपी का, उनको साधुवाद,
उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई और हमारी जायज मांग को उन्होंने सही ठहराया और हमको 5 टिकटें देने का वादा किया। और पैदल कर दिया पशुपति पारस को, चाचा भतीजा, एक चाचा भतीजा तो नीतीश और तेजस्वी, वो तो जुदा हो गए। देखिए ये पारिवारिक कलह सुलझ जाएगी? परिवार की कलह में समय लगता है, वक्त लगता है और वक्त ही उसकी उस जो 5 में एक दो को नहीं, वो राजनीति अलग है, पारिवारिक कलह की बात कर रहे हो तो वो सुधरेगी नहीं सुधरेगी उसमें वक्त लगता है, वो वक्त ही जख्म भरते हैं, जख्म होते हैं दोनों तरफ होते हैं। भतीजा चाचा के साथ कुछ अपनी 5 सीटों में से एक दो सीट साझा कर लेगा? क्यों देंगे हम, क्यों नहीं देंगे ना, किस लिए देंगे? और चाचा भतीजा तक जहाँ से सवाल है, यही खाली चाचा भतीजा नहीं है, वो एक शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश यादव, एक वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, और भी एक आध है, और ये इसी तरीके हमारा जीते भतीजे ही हैं। वो मामा को कंस कह दिया, अब चाचा के लिए कोई वर्ड याद करना पड़ेगा। चाचा मामा भांजा में इतनी कला नहीं जितनी चाचा भतीजा में हो रही है। संदीप जी एक बात बड़े तरीके से मैं कह दूं कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका ये फर्ज होता है कि बच्चों के जो अधिकार बनते हैं उनको दे, मतलब अपने मान सम्मान अपने हाथ में होता है। अगर चाचा ने इस तरह अगर ललाई थे, मंत्री भी बन गए 3 साल के लिए और फिजिकली भी इतने ठीक नहीं है, तो मतलब क्यों इस तरह की बातें कर रही है उनको? अपना मान सम्मान अपने आप देखना चाहिए उनको, हम तो यही उनको शुभकामनाएं करेंगे। और दूसरे चाचा की भी बात करें, कौन से चाचा? हाँ वो चाचा वाला मामला, हाँ नीतीश चाचा और तेजस्वी का भतीजा। नहीं तो नीतीश कमजोरी कमजोर कड़ी तो नहीं है? देखो उनके प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कह रहे जी, हमारा ममत्व है और मान सम्मान हम उनका रखते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। एनडीए में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब किसी के सीटें वो लड़ेंगे। हाँ तो लड़े, 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े और अब भी लड़े, 19 और 24 के नीतीश के रुतबे, कोई परिवर्तन नहीं, करिश्मे में काफी बदलाव आ गया, अलायंस में कोई परिवर्तन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 14 में भी लड़े थे, 7 सीटें कम हो रही है ना, अभी कैसे कह दोगे कम हो रही है? अभी नहीं, अभी के आंकलन के हिसाब से नहीं, सीटें कम नहीं हो, अभी अभी टाइम है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन आप देखिए पानी कहां तक जाता है, पानी कहां तक जाता है। अब एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।